शेमारू से जुड़े रहने के लिए YouTube ऐप के बेल आइकन को प्रेस करें। भाई साहब, क्या है? मैं ये दो टुकड़े ले लूं? अबे घोचू, तुझे ये दो टुकड़े दिखाई पड़ते हैं? अरे ये बड़े काम की चीज है, बड़े काम की। इसके दाम लगते हैं, दाम। इसके दाम? हाँ। कितने? पूरे 5 रुपए। 5 रुपए? हाँ। इसके? हाँ। पैसे के लालच ने तेरे दिमाग के टायर को पंक्चर कर दिया है और अंदर से अकल की हवा निकाल दी है। अरे मूर्ख, क्या करेगा पैसा कमा के? पैसा किसके काम आया है जो तेरे काम आएगा? अरे अकबर हाँ। बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। सिकंदर जैसा बादशाह खाली हाथ दुनिया में आया था, खाली हाथ गया। कारून जैसा बड़ा बादशाह खाली हाथ आया था, खाली हाथ गया। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि सारी उम्र गंवा दी कमाने में पैसा, और बाद में यही साला पैसा बन गया अपने दुश्मन जैसा। ये जब आता है तो साथ में टेंशन भी लेकर आता है। इंसान के सर के बाल निकल जाते हैं, इंसान गंजा हो जाता है, फिर याशी में पड़ जाता है, कोठे पर जाता है, शराब पीता है, तवायफों के चक्कर में लग जाता है, उसके बाद उसको बीमारियां लग जाती है और रेड़ियां रगड़ के मर जाता है, और उसके मरने के बाद उसी पैसे के लिए उसके घर वाले एक दूसरे का खून कर देते हैं, गोलियां चलाते हैं, चाकू चलाते हैं, तलवार चलाते हैं और खून बहाना शुरू कर देते हैं। क्या तू चाहता है तेरे मरने के बाद तेरे खानदान वाले एक दूसरे का खून बहाए? नहीं नहीं भाई, मैं अपने घर में खून खराबा बिल्कुल नहीं चाहता। इसलिए अपने दिल से पैसे का ख्याल निकाल दे और ये दो टुकड़े मेरी झोली में डाल दे। अरे मेरे बाप, अरे तू ले जा ये दोनों टुकड़े, मुझे दाम नहीं चाहिए, मुझे दाम नहीं चाहिए। पहले बोलना था ना यार। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हो। जूते के नीचे लगाना है, ठीक रहेगा? जूता बहुत मजबूत रहेगा और बहुत सालों तक चलेगा। हो बस अनसो लगवाने को आए, तुम्हारे जूते किधर हो? अरे आधा काम मैंने कर दिया, आधा तुम कर दो। क्या मतलब? जूते की जमीन मैंने ला कर दी, अब जूते का मकान तुम बना दो। जमीन का मकान तो मैं बनाऊंगा, लेकिन पैसे लगेंगे। हो जूता बना के देता है या मैं फिर से मदारी बन जाऊं? अरे मेरे बाप, फिर से तो मदारी मत बन, फिर से मदारी मत बन। मैं तुझे समझाता हूँ, इसे जाने दे, इसे जाने दे। चलो किसी के दिल में तो मेरी बात उतरी, इसको बता के मदारी बनने में क्या नुकसान है। तब तक मैं जरा नजरों का राउंड मार के आता हूँ। अरे मैं तेरे को समझाता हूँ। डैडी ये आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी साफ कर रहा हूँ। डैडी ये गाड़ी लोहे की बनी हुई है, कोई कागज या मोम की नहीं, जो आप इसको इतना आहिस्ता आहिस्ता साफ कर रहे हो। मालूम है मुझे कि ये लोहे की गाड़ी है। आता ना, जोर से घसूंगा तो इसका पेंट नहीं निकल जाएगा, और तू गैरेज वालों को नहीं जानती है, पेंट का नाम ले तो रिजन बाहर से खोल देते हैं। कसम से अगर कभी कंजूसी का कॉम्पिटिशन हुआ ना तो आपको गोल्ड मेडल मिलेगा, गोल्ड मेडल। तो मेरी कंजूसी से घर में गोल्ड मेडल आएगा ना? कुछ जाएगा तो नहीं? चल डैडी, खुद के बाल नोचे। मेरे बाल नोचेगी? हम कहा नहीं हमें बैठाए के बैगन वहावे चल जाए, हम कहा नहीं हमें बैठाए के बैगन वहावे चल जाए। तेरा बैल है अड़िया सड़िया, मुरा बैल है तेज, हमरे बैल पे हो के सवार हो भैया, चल बैगन के खेत, हम कहा नहीं हमें बैठाए के। अबे कहां अंदर घुसा जा रहा है? हट जा सामने से, हम नौकरों के मुंह नहीं लगते। नौकर? अबे मैं तुझे नौकर लगता हूँ? तो खुद को साहूकार समझते हो क्या? अंदर मालकिन ने दूध लाने के लिए कहा, पहुँचाने जा रहे हैं, बार बार रोक रहे हो, रिश्वत में दूध चाहिए? अगर हम तो कांदर जाए कि देने तो हमको रिश्वत में दूध पिलाएगा का? अरे तुम तो हमार तरफ की भाषा बोल रहे हो, कौन जिला पड़ता है? घौसी। घौसी? तब तो तुम हो हमार पड़ोसी, हम हंडिया के हैं। ये सब हम बाद में करेंगे। अच्छा एक बात बताओ मालिक काका। मालिक काका? चलो माली ही सही। मालिक है? नहीं, बाहर गए घूमने। बेटी होगी? अंदर है। एक बात बोले सच्ची? हाँ। बहुत कमाल की चीज है। हाँ? फिगरवा देखा है? फिगरवा समझते हो कि नहीं? कमाल का फिगरवा है, उसको जब भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि इसको उठा के यहाँ से ले जाए और गांव में ले जाकर जाने में उसके साथ जहाँ रचा। अरे, हाँ? अरे तुम उसके बाप के बराबर हो, तुम क्या करोगे? वो हमारा डिपार्टमेंट है, ये क्या बहुत नाटक कर रहे हो? अरे एक मामूली दूध वाला होकर इतनी लंबी जबान। अरे तुम हमारे सामने जब इतना ओपन हो ही गए तो हम भी टोटल ओपन हो जाते हैं। अरे हम दूध वाला नहीं हूँ भाई, ये देखो हम उस लड़की का आशिक हूँ। अरे बहुत दिनों से ससुरी को पटाने की कोशिश कर रहे हैं, साली हाथ ही नहीं आ रही, सोचा आज जाके इसको चिट्ठी दे दे,
गांव खड़े के आदमी हो, हमारा इतना काम तो करी दो, उसकी चिट्ठी पहुंचा दो यार। पहुंचाए थे तो अब देखो हम किसको कहां पहुंचाते। डैडी, डैडी, ये तुमको डैडी डैडी कैसे बोल रही है? ये हमारी बिटिया है। क्या बात कर रहे हो, तुम्हारी बिटिया है? तो पहले बोलना चाहिए ना, इतनी देर से बतिया कह रहे हो। अरे बताना चाहिए ना घर में कौन बिटिया है, कौन भाई है, कौन नौकर है, ये भाई साहब कौन है? ये हिम्मत कैसी हुई घुसने की? और ये क्या? ये वो मैं नहीं बेटी, तो खाम खा नाराज हो रही है। दरअसल मैं भी है ना तेरी माँ को बिल्कुल ऐसे ही है। क्या माँ? मगर मैं तो खाली हाथ गया था और ये उल्लू का पट्टा पूरा दूध भर के दे गए थे। क्या वो? मैं समझा था दुनिया में मैं ही 420 हूँ, ये लुच्चा तो 840 निकला। तू क्या मेरे को कुत्ते का बिल्ला समझता है जो इस तरह से बुलाता है? कैसी बात करते हैं सर, मैं तो आपको खुशखबरी सुनाने आया था। है? आपके तो दिन बदल गए सर। क्या बात करता है? हाँ सर, ये लड़कियों की तस्वीरें देखना बंद कर दीजिए। आज आपके जीवन में संसार की सबसे सुंदर स्त्री आने वाली, और इतना ही नहीं वो आपको कुछ चीज देके जाएगी। तुझे कैसे मालूम? मैंने सपना देखा। अरे बेवकूफ, सपने भी कभी सच होते हैं क्या? मेरे होते हैं, मेरे होते हैं। आप कैंप में किसी से भी पूछ लीजिए, मैंने जिसके बारे में जो सपना देखा है वो हुआ है। एक बात बता, वो लड़की मेरे को क्या देकर जाएगी? ये मैं नहीं बता सकता। ठीक है, अगर तूने नहीं बताया ना तो मैं तेरे को रस्टिकेट कर दूंगा। आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मेरा ये सपना सच होने वाला है। और फिर ये तस्वीरों वाली बात, आज आपके जीवन में संसार की सबसे सुंदर स्त्री आने वाली है, और इतना ही नहीं वो आपको कुछ चीज भी देके जाएगी। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? यस यस, आइए 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 आइए। हेलो सर। सर मैं आपको कई दिनों से देख रही हूँ। मुझे? हाँ, आप कितने अच्छे हैं, कितने शरीफ हैं, कितना डिसिप्लिन है आप में, मैं आपको बहुत एडमायर करती हूँ। एक आप है और एक सर, मुझे बहुत शर्म आ रही है बताने में, मैं आपको क्या बताऊं, आप बस इस खत को पढ़िए। जान, इस खत को पढ़कर नाराज मत होना, क्योंकि इस खत में अल्फाजों की जगह अपने दिल के छोटे छोटे टुकड़े बिखेर कर आपकी खिदमत में पेश किए मैंने। जान मेरा यकीन करो, जब से तुम्हें देखा है ना दिल को चैन है ना करार, मेरे देखने से तुम्हें गुस्सा भी आता होगा। हाँ, लेकिन नाराज मत होना जान, ये मेरा प्यार है, सिर्फ प्यार है जान, मेरी मोहब्बत को मेरा नजराना समझकर कबूल कर लो। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पढ़ लिया आपने सर? हाँ हाँ, पढ़ लिया मैंने, पढ़ लिया। सर मुझे इसका जवाब अभी और इसी वक्त चाहिए। अभी? हाँ। और इसी वक्त? हाँ। देता हूँ, नेक काम में देरी किस लिए। ये तुम्हारा खत और ये है मेरा जवाब। हाँ, बड़े बदतमीज किस्म के आदमी आप। मैंने आपके एक स्टूडेंट के बदतमीजी का जवाब मांगा और उसके बदले में आप मुझे ये लिख कर देते कि आपको मुझसे शादी करनी है। हाँ। बड़े घटिया किस्म के आदमी आप। नहीं नहीं, मैं आप बड़े मिल के भेजा स्टूपिड खड़क सिंह, ये सब क्या? वही सर जो आप देख रहे हैं। सर अगर आप भी मेरी जगह पर होते और ये आपसे जवाब मांगती तो आप भी यही जवाब देते जो मैंने दिया है। सर मुझे गलत फहमी हो गई। और ये क्या यू लगा रखा है? आप रोहित तुझे नहीं बुलाते जिसने मुझे खत लिखा है? बात सारी समझ में आ गई सर, ये हरकत रोहित की है। उसने अपनी जान बचाने के लिए मुझसे कहा कि एक खूबसूरत लड़की आएगी जो तुम्हें कुछ देकर जाएगी। मुझे क्या मालूम था कि वो उसी की चिट्ठी देकर जाएगी। इस फ्रॉड सर, रोहित को बुलाइए सर।
आपने मुझे बुलाया सर। रोहित, क्या ये सच है कि तुमने इनके घर जाकर ये खात इनको दिया था? एक मिनट, उधार वाला चुम्मा है ना, प्यार से दे दो वरना सब गड़बड़ हो जाएगी। सर ये कौन है? मैं इनको नहीं जानता और ये खत मैंने इनको नहीं लिखा। और अगर आपको मेरे कैरेक्टर के बारे में जानना है तो आप खड़क सिंह जी से पूछिए, ये मुझे तब से जानते हैं जब मैं चड्डी में घूमता था। अरे चड्डी में घूमने का और खत लिखने का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक है सर, उसकी बात मत बिल्कुल बताइए, बिल्कुल झूठा इंसान है। आप है कौन जो मुझे बार बार इल्जाम पे इल्जाम लगा जा रही है? सर आप इस खत को ठीक से पढ़िए, क्या इस खत की हैंड राइटिंग मुझसे मिलती है? क्या मैंने कभी किसी से शायरी की है यहाँ पर? नहीं नहीं, ये तो अनवर की है। तो आप अनवर को बुलाइए सर। तुम क्या जा रहे हो? मैं कहाँ जा रहा हूँ? आइए आइए अनवर मियाँ, तशरीफ लाइए। आदाब भाई। अनवर मियाँ, क्या खूब लिखते हैं आप। शुक्रिया शुक्रिया। और हैंडराइटिंग भी कमाल की है। शुक्रिया शुक्रिया। बस आप सीधे हो जाइए हुजूर। और ये बताइए कि ये खत इन मोहतरमा को आपने लिखा था? सर मैंने इनको नहीं लिखा था। तो? बल्कि इनकी बेपनाह चाहत की गहराइयों को मद्देनजर रखते हुए ये खत मैंने इनकी नजर किया था। कोई भी गड़बड़ की ना तो सबको बता दूंगा कि तेरे साथ बस में क्या हुआ था। अनवर तू डर मत, तू सर को सब सच सच बता दे कि ये खत किसने लिखा था। मैंने लिखा था सर। सर ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है सर। आप चुप रहिए, आप मेरे दोस्त को डराने की कोशिश कर रही हैं। अनवर ये खत इनके घर किसने पहुंचाया था? मैंने पहुंचाया था सर। मैंने नहीं पहुंचाया। अनवर ये सब सच है सर। अनवर तुम ऊपर से इतने शरीफ और अंदर से इतने बदमाश हो, इसकी सजा मिलेगी। शुक्रिया शुक्रिया। अनवर मेरे भाई, कैसा है तू? रोहित मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगा। अगर तेरे दिल में मेरे लिए थोड़ी सी भी इज्जत है तो किसी को मत बताना कि मेरे साथ बस में क्या हुआ था। कैसी बात करता है तू अनवर? आज तक मैंने कभी किसी से बताया कि तेरे साथ थिएटर में क्या हुआ था? तू भाग अनवर, तू भाग। और तू देख मैं तेरा बदला लेने के लिए क्या करता हूँ। हे राम हे राम, मैं कहाँ आ गई? पहले तुम ये तो बताओ कि तुम हो कौन? मैं एक बंजारन जंगल में जा रही थी, सांप मारे पीछे पड़ गई। मारी जान बचाने के लिए मैं तुम्हारे टेंट में घुस गई। अच्छा मैं चलती। अरे ठहरो ठहरो, आज की रात तुम यहीं पर रुक जाओ। बाहर तो बहुत बड़े बड़े सांप हैं, कहीं तेरे को डस लेंगे। तुम्हारी बात में एक पॉइंट है, लेकिन तुम्हारे मेरे पर इतना प्रेशर डाल रहे हो तो मैं इधर रुकने के लिए तैयार हूँ, पर मारे में भी एक फॉल्ट। क्या फॉल्ट है? मेरे को रात को गरबा खेलकर सोने की आदत है। तुम्हें मेरे साथ गरबा खेलोगे? खेलेंगे खेलेंगे। तुम्हें एक कुंवारे मारवाड़े छायो रे, मारवाड़ा मारवाड़ी में आजा लाव जो रे मारवाड़ा। अब नहीं, एकदम नहीं खेल सकते। नहीं खेल सकता अभी। अगर यहाँ ये एक कसाई है तो आपके इतने सारे भाई हैं, आपको इंसाफ दिला कर रहेंगे और पुलिस को बुला कर रहेंगे। पुलिस? ए नरस। क्या है? तो मेरे को एक बात पूछूं? क्या पूछना है?
तमेरे लोग मेरे को इधर काय को लेके आए? खामोश, इधर ज्यादा बात नहीं करने का। तुम्हारा बलात्कार हुआ है ना, अभी तुम्हारा मेडिकल चेकअप होगा। चेकअप? तमेरे से दूसरी बात पूछू, तमेरा हार्ट स्ट्रांग है ना? क्यों नहीं, धक्का लगने का चांस है। देखो जो भी कहना मिसेस गायकवाड से कहना, वो अभी आती होंगी। मिसेस गायकवाड बेचारी सुकर से, धक्का तो उसको भी लगेगा ना बेचारी को। ही हलकर चाला मेला मर्द लोगन को बहुत सर भी है, अगर पलटकार करने के टाइम जरा शर्म नहीं आता ही लोगन को? चला कपड़े कड़ा। तो मेरे को मेरे पे दया आ रही है। वो बाबा आती है, मेरे को पता, मेरे लोग पे दया आ रही है। क्यों? तो मेरे लोग मेरा सिर्फ ऊपर ऊपर से चेकअप कर डालो। बस अगर जब तक हम तुम्हारा चेकअप नहीं करेंगे तो हलकट मुच्छड़ खड़ सिंह को सजा कैसे दिलाएंगे? चला काड़ा काड़ा। मैं हाथ जोड़ के तुम मेरे से विनती करती हूँ, तुम लोग सब अच्छे घर की लड़की हो, मेरा चेकअप करके अपनी जिंदगी खराब मत करो। मैं हाथ जोड़ती हूँ बाबा। शर्माती है, चला हाथ पाई पकड़ा। डॉक्टर ने पकड़ा, नारा तो जकड़ा, जकड़ के मेरे को गिरा दिया, गिरा के मेरा चेकअप किया और खुद का साक्षा दिया। सत्यानाश किया, खुद का सत्यानाश किया और बाकी को जिंदा लाश किया, बाकी को जिंदा लाश किया। हे जिरे जिरे। हाय हाय वालिया वाले, ओए पियो कालू। वो थोड़ा खुल के से मिल के आता क्या भगवान? जा ओ ठहर, ओए गुड़ लग तो लेती जा। भाग। एक्सक्यूज मी। यस। सुनिए, मेरे दोस्त लोग हैं ना, आपकी पर्सनालिटी के बारे में रिसर्च कर रहे हैं, जरा प्लीज बताएगी आप में एग्जैक्ट खूबियां क्या है? बताऊं? हाँ। ये ले। मैंने आपकी हाथ की खूबियां नहीं पूछी थी। हट जाओ मेरे सामने से, मैं कहती हूँ हट जाओ। I said just get out. Hey, लड़की को छुरा तो दूर की बात है, पहले इस बॉल को तो छूकर बताओ जो तुम्हारा अपना है। चल रहे। क्या है? बिल। काय का बिल? हमने तो कुछ खाया भी नहीं। जो खाया नहीं है उसका बिल नहीं है, जो खाने वाला है ना उसका बिल है। पढ़ पढ़। एक तार, एक आँख। हाँ बराबर। एक पाव की नली। हाँ आगे बढ़। एक रीढ़ की हड्डी। हाँ निकलता जा। एक फसली की हड्डी। हाँ चल चल। एक भेजा। और भी है। एक अतरी। हाँ। बिल दे रहे इसका। हाँ तूने लगाया ना, बिल भी तू ही चुकाएगा। ए, तुझे बॉल की पड़ी है मेरे हाथ की नहीं? ओए भगवान, पहले बॉल तो ले ले, फिर तुझे भी छुड़ा लेंगे। ए, घर में जाकर लड़ना, बॉल चाहिए ना? हाँ। ये ले। छूट गया।
तू बॉल से मारेगा, बॉल से? तेरे को मैं चाकू से मारूंगा, चाकू से। ए भाजी काटने की छुरी किसी और को दिखाना। जाता है क्या अभी? बकरियों की तरह मैं क्या कर रही हूँ? खूबसूरत लड़कियों को इस तरह के कपड़े पहनकर स्विमिंग करने का कोई हक नहीं है, और स्विमिंग करने का बहुत शौक है ना, तो घर के सामने एक खड्डा बनाओ, उसमें कूद जाया करो। वो कंजूस का है। कौन? तुम्हारा बाप। उसको बोलो कि उसके क्लब के पैसे बच जाएंगे। ये तो अच्छा हुआ कि मैं तुम्हें छेड़ने के लिए यहाँ चला आया, वरना पता नहीं क्या होता। रोहित, मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। अरे इस तरह खड़े खड़े तुम अपने अफसोस को जाहिर मत करो ना, बैठ के चाय पीते पीते सॉरी बोलो। आओ ना। चीयर्स। ये नसीब से नसीब टकराने की शुरुआत जो होती है ना, वो चाय से ही होती है। देखो ना, जब कोई लड़का किसी लड़की को देखने के लिए जाता है तो लड़की बड़ी शर्मा कर हाथों में ट्रे लेकर आती है और कहती है कि चाय लेंगे आप? Don't you think this is right? I think you are. कैसे अपनी हीरोइन को हीरोगिरी बता रहा है? हाँ रे, चल इसकी हीरोगिरी निकालते हैं। चल रे। ओए होट बहुत खूबसूरत है। चाय पिए? ओह शिट। ओ भाऊ, अरे बे, अबे वादा किया था कि मार खाने का 2000 देगा, और आप 500 रुपए में टरकाता है क्या? और ये ले तेरा 500 रुपए नहीं चाहिए। क्या बकवास करता है सीमा, मैं लोग जानता तक नहीं। ओए बहन की डरिए मत, मैं आपके पैरों को हाथ लगा रहा हूँ। ये बड़ा चीटर है, ने कहा था कि आपके सामने जूटी मुटी मार खाने का 2000 दूंगा, अब सिर्फ 500 मीटर का रहा है तो न्यूज़ का ही क्या? अरे चल भगवान चल। सीमा, मुझे तुमसे ये उम्मीद थी। सीमा कुत्ते कमीने। हां अभी होट अच्छे लग रहे थे, और अभी कुत्ते कमीने। सुनिए मैं चाय पी लूं। चल तेरी मां के यहां चला, निकल। जस्ट वन सेकंड Rohit, I'm so happy to see you. Come, let me just introduce you to my friends. आज की पार्टी बहुत बहुत अच्छी है सर। आपका पहला ग्लास है? मेरा पांचवा है, लेकिन पहले जैसा लगता है। पियो। It's a pleasure to meet you. Rohit, कैसा है तू? Excuse me, sir. और कैसे मिजाज है आपके? यस रोहित, यार मैं तुमको उस जमाने से जानता हूँ जब तुम चड्डी पहन के घुमा करते। बचपन से जानते, जरा सुधार के बोलिए इस बात को। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है, उस दिन तुम्हारा मेडिकल चेकअप हुआ था ना, तो उसमें क्या हुआ था यार? अरे कुछ नहीं हुआ था, चेकअप हुआ ना, तो उसमें क्या हुआ था? खड़क संगीत। मैं तो खड़ा हूँ सर। काफी देर से खड़े हैं, चलिए जरा घूम के आते हैं। उधर मजा नहीं है, इधर मजा। बहुत मजा, आप चलिए ना, सही है ऐसे घूमते हुए। चलिए चलिए ऐसे घूमते रहिए ऐसे। शाबाश सर। उस दिन मेडिकल चेकअप हुआ तो उसमें क्या हुआ था? जी सर, सॉरी सर। हजरत, इस खुशी के मौके पर मैं अपने दोस्त रोहित की खिदमत में चंद अशआर पेश करने जा रहा हूँ। आप सबकी तवज्जो चाहूंगा। एक मिनट सॉरी सर, माफ करना अनवर भाई। ए रोहित भाई, उस दिन तुम्हारा, अरे मेरी बात तो सुनो है, उस दिन तुम्हारा मेडिकल चेकअप हुआ था वो उसके बारे में मिसेस गायकवाड़ बताइए ना। हाँ, मैं बताती है। तुम्हारा ही बात का जवाब सिर्फ मी दे सकती है। देखो भाई, मेडिकल चेकअप हुआ था रोहित का, लेकिन बेहोश मी हो गई थी।
इसका मेडिकल चेकअप होने से तुम्हारा बेहोश होने का क्या वास्ता? ओ, मैं बाद में बताएगी है कि नहीं? मेडिकल चेकअप अभी चलना। बेहोश मिसेस गायकवाड़ हो गई। हाँ तो अर्ज किया है, वो देख देख हमें जीते हैं, वो देख देख हमें जीते हैं, हम देख देख उन्हें पीते हैं। ये मेरी इजार का नारा नहीं है दोस्तों, मेरे फटे जूतों के फीते हैं। मशहूर समाज सेवक और केंद्र मंत्री श्री शैतान सिंह हमारी अदालत में हाजिर हो। मंत्री सलाम। शैतान सिंह जी सलाम। शैतान जी सलाम। शैतान मंत्री जी, मेरा पहला सवाल है कि आप हमेशा अपने साथ ये कुर्सी लेके क्यों घूमते हैं? सारा लफड़ा झगड़ा जो है वो कुर्सी का ही है ना, तो कुर्सी कैसे छोड़ दें? कुर्सी के मामले में हम अपनी पत्नी पे भी भरोसा नहीं करते हैं। हमारे इलाके में जाड़े में खटिया कम सरकती है, कुर्सी ज्यादा। कोई ढंग का सवाल पूछिए, पागल मत समझिए हमको यार। मंत्री जी, आप पे आरोप है कि आप गलती से ईमानदार बहुत हैं। क्या 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 क्या? आप पे आरोप है कि आप गलती से ईमानदार बहुत हैं। ये आरोप नहीं है, ये साजिश है हमारे खिलाफ। जनता को भड़काने की कोशिश की जा रही है, हमारी इमेज खराब करने का प्रयत्न किया जा रहा है। अपोजिशन वाले चाहते नहीं है कि हम इलेक्शन में जीत पाए, इसलिए सब हमको कहते हैं कि ये ईमानदार है, ईमानदार है। और हम जनता से साफ साफ कह देना चाहते हैं कि हमारे जैसा भ्रष्ट और चालू नेता इस देश में पैदा नहीं होगा। तुम कहीं को बैठ गए यार? हमारे पक्ष के उम्मीदवार बैठ जाए, ये हमको पसंद नहीं है। हम थूके ना थूके, तुम डब्बा पकड़े रहो। मंत्री जी, हमने तो यहाँ तक सुना है कि जब आपको खेल कूद का मंत्री बना दिया गया तो आपने खेल कूद की तरक्की के लिए कुछ किया ही नहीं। ऐसा कैसा कह रहे हैं आप? ऐसा कैसा कह रहे हैं? अब हॉकी को ले लीजिए। हॉकी में जो गड़बड़ हो रहा था हमने चेंज कराया। 22-22 तगड़ा तगड़ा लोग यह बड़ा बड़ा डंडा लेकर एक नन्ना सा गेंद के पीछे पड़ जाते हैं। अच्छा लगता है? अच्छा नहीं लगता। दुनिया भर का झगड़ा होता है, एक गेंद के पीछे पड़े रहते हैं। हमने उसको चेंज कराया, हमने कहा कि हर एक खिलाड़ी को उसका अपना गेंद दे दिया जाए, अपना गेंद पकड़ कर खेलता रहे। खेल का खेल होता रहेगा और गोल भी ज्यादा होगा, वरना डेढ़ डेढ़ घंटा खेलते रहता है, एक गोल नहीं होता। आज तो हम मंत्री महोदय जी को अपने हाथों से दूध पिलाएंगे। मंत्री महोदय जी, हम किसी ऐरे गैरे नथु खैरे के हाथ का दूध नहीं पीता हूं। अमर, एक मिनट। झुलनी का रंग गड़बड़ हमार पिया, का रंग गड़बड़ हम। अमर, तुम यही समझते हो ना कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है? मैं तुमसे सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि वो धोखा नहीं, मेरा फर्ज था, और उसी फर्ज को निभाते निभाते मैं तुमसे सचमुच प्यार करने लग गई। रियली? एक लड़का एक लड़की से बहुत प्यार करता। एक दिन उस लड़के ने लड़के का दिल मांगा तो मालूम उस लड़के ने क्या किया? अपना सीना चीर के दिल निकाल के उस लड़की के हाथ में रख दिया। तो जानती हो उस लड़की ने उस दिल के साथ क्या किया? तुमने भी ऐसा किया ना उसके साथ?